अगेन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम का सीजन आ चुका है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर हमें ह्यूमन वैल्यूज का एक अपडेटेड नया कंप्लीट रिवीजन का पैकेज चाहिए, जो MBA और कह सकते हो कि प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एथिक्स के कंप्लीट रिवीजन सब्जेक्ट के कंप्लीट रिवीजन में है। हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एथिक्स सब्जेक्ट बोथ का मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होने वाली है। हाँ, A to Z मैंने कवर अप किया है, ये वीडियो जरूर देख के जाइए। एग्जाम का सीजन आ गया है, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है कुछ माइनर टॉपिक रह जाए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके एग्जाम परसेप्शन से। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और यदि आपको इस वीडियो के अलावा और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फील फ्री टू आस्क। आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं फॉलो आप। चलिए बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारे कंसेप्ट सीख पाए। ठीक, तो सब्जेक्ट है अपना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और कहीं कहीं इसको प्रोफेशनल एथिक्स या ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से जानते हैं। ओवरऑल जो है 80% सिलेबस सारी यूनिवर्सिटीज में सेम होता है, भले वो RTU हो या AKTU हो या GTU हो, कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहां पर ये सिलेबस कॉमन रहता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करता हूं मैं। फर्स्ट यूनिट में जो मेन टॉपिक निकल कर आता है वो अंडरस्टैंडिंग नीड एंड बेसिक गाइडलाइन कंटेंट प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। अब हमको ये समझना है कि यहां पर वैल्यू एजुकेशन है क्या। वैल्यू एजुकेशन, अगर हमें केवल ये वर्ड समझ में आ गया कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। वैल्यू एजुकेशन को दो भागों में मैंने तोड़ रखा है यहां पर। फर्स्ट है वैल्यू एंड सेकंड है एजुकेशन। ठीक, अब फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड एजुकेशन, जब हम फर्स्ट वैल्यू पे आए और सेकंड एजुकेशन पे आए, तो हमने ये देखा कि वैल्यूज किसे कहते हैं। वैल्यूज कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हम खुद बनाते हैं। अच्छा सर, हम बनाते कैसे हैं, हमारा एक डेवलपमेंट कैसे होता है, मींस कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीजें सही हैं या ये चीजें गलत हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको मॉरल वैल्यूज भी बोल देते हैं कि मॉरल वैल्यूज आपकी हाई होनी चाहिए। मतलब हमेशा आपके कोर्स के अंदर हर जगह मैंने देखा है इसको गुड फेथ में ही बात करी गई है, लेकिन इसको बैड फेथ में भी हो सकता है कि किसी की वैल्यू ऐसी हो, किसी का माइंडसेट ऐसा हो कि उसको किसी को लोगों को परेशानी करने में ही परेशानी देने में ही मजा आता हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी देने में मजा आता है सारी सोसाइटी में। सबसे बड़ा जो हमारा पड़ोसी अगर खुश है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, ये हमारी एक नॉर्मल फितरत से बन गई है। तो हमारी वैल्यू क्या है, तो वैसे बुक परसेप्शन से, एग्जाम परसेप्शन से अपने को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से लिखना है कि वैल्यूज का मतलब कि अच्छी बात है। वैल्यूज का मतलब वो चीजें जो इंसान के मॉरल को अपलिफ्ट करती हैं, जैसे कि हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ये सब टाइप्स हैं, एक ही गॉड है, ठीक है, सबका मालिक है, मेरा ये मानना है। तो वैल्यूज ये क्रिएट करती हैं कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं। मींस कि ये हमें डिस्क्रिमिनेट कराती हैं कि कौन सी चीजें राइट हैं और कौन सी चीजें रॉन्ग। अगर हम ये समझ जाएं कि कौन सी चीजें राइट है, कौन सी चीजें रॉन्ग, अब हमें कैसे पता चला कि ये एक्ट करना सही है या चोरी करना गलत बात है। हमने हमारी एक सेट ऑफ वैल्यूज डिसाइड करी, हमने हमारा एक रूल रेगुलेशन डिसाइड करा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत हैं। अब ये हमें आती कहां से, ये मिलती कहां से, ये सारी की सारी वैल्यूज ये हमें मिलती है हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हमारे ग्रुप से, हमारी फैमिली से, हमारी कह सकते हो हमारे सिबलिंग से, हमारे फैमिली मेंबर्स, नेशन, ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आपकी फैमिली, कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी अलाउड करती है नॉनवेज खाना, कुछ कास्ट एंड कम्युनिटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है। तो नॉनवेज खाना इज अ गुड थिंग और बैड थिंग,
ये डिसाइड करती है हमारी फैमिली, हमारी कास्ट, हमारी सोसाइटी और हमारा खुद का इनर सेल्फ, ठीक है, कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है, और यही आगे जाके हमारी बन जाती है वैल्यूज। ये क्लिक में नहीं डेवलप होती, स्टेप बाय स्टेप आज कुछ वैल्यू डेवलप हुई, इट्स लाइक अ डेवलपिंग प्रोसेस, ये लाइफ थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। जैसे कि कुछ चीजें जो बचपन में सही थी लेकिन आज गलत हो जाती है, जैसे कि बचपन में आपको कार्टून देखना पसंद होगा, टॉम एंड जेरी तो आज सबको पसंद है, लेकिन ओवरऑल अगर लार्ज पॉपुलेशन की बात करें तो वो कार्टून देखना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स कि उनकी नजर में ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। यूथ की बात करें तो पबजी खेलना, गेमिंग, चैटिंग, ये उनके लिए थोड़ा सा अभी बहुत सही लगती है, लेकिन एल्डर एज की बात करें तो इसमें ये चीजें गलत हो जाती है। तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज भी होती रहती है बाय द पीरियड ऑफ टाइम, बाय द पीरियड ऑफ कल्चर, कि आप कहीं रहते हैं इंडिया में रहते हैं तो आपकी वैल्यू अलग हो सकती है, अमेरिका में रहते हैं तो आपके क्लॉक की जो माइंडसेट है वो अलग हो सकता है, आपके सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यूज कहलाती है। आप एजुकेशन, आप सबको पता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वैल्यूज के बारे में। यहाँ वैल्यू एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंस है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाई द वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। आप एमबीए कर रहे होंगे, आप ग्रेजुएशन डिग्री में होंगे, ये मेरे को लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्रू आउट हम हमारे चाइल्डहुड में सीखते आए हैं। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, माताओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो ये सिखाते थे बच्चे को कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, ये आपको नहीं करना, ये चीज ऐसा है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैक हुआ है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा है, सोसाइटी को ऐसा लगा है, हमारे शिक्षा विभाग को ऐसा लगा है, कि एजुकेशन डायरेक्टरी को ऐसा लगा है कि ये वैल्यूज जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर वो लैक हुई है। मींस क्या, वो टीचर्स की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने एल्डर्स की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते, झूठ बोलते हैं, अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। तो दैट इस पर्पज से हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा कि लो बच्चा पढ़ो वैल्यू एजुकेशन, कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है सबको पता है, लेकिन जीना कैसे है ये वैल्यू एजुकेशन डिसाइड करता है। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस इन द वैल्यू एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप ये सीख जाओगे कि वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वैल्यूज कौन कौन सी अपनी लाइफ के अंदर तैयार रखनी है। जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसावादी वो व्यक्ति, तो उनकी वैल्यूज थी, वो हिंसा करने वाले को गलत समझते थे। अब इस तरफ दूसरी तरफ आ जाए तो सुभाष चंद्र बोस, वो कहते थे कि अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको हिंसा करने में भी डरना नहीं चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। तो उनकी वैल्यूज अलग थी और किसी और की वैल्यूज अलग है। एडोल्फ हिटलर, उसको परेशान करने में, उसको दूसरी कास्ट कम्युनिटी का कोई व्यक्ति होता था तो उसको मर्डर करने का उसका हुक्म रहता था, अपने ही नागरिक को पकड़ा जाए। हाँ, तो इसे कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा डाउट है, क्या पूछा जाता है कि प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन थ्रू आउट द चाइल्ड स्टार्ट हो जाती है, बेसिक गाइडलाइंस क्या है, वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट बनाए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू इम्प्लीकेट, आप इसको इजी टू अप्लाई हो, मींस कि आप किसी को साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी सेट ऑफ रूल्स ना बनाए जाए जो अप्लाई करने में ही मुश्किल हो। ये कह दिया जाए कि नहीं नॉन वेज ही नहीं खाना, आपको वेज ही खाना, ये कह दिया जाए वेज ही नहीं खाना नॉन वेज ही खाना, ये कह दिया जाए आपको मंदिर ही जाना, ये कह दिया जाए मस्जिद ही जाना है, तो ऐसा वैल्यू एजुकेशन नहीं होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, मीन्स कि सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र मोदी जी का है, खैर वो एप्लीकेबल हो नहीं पाता है, लेकिन ये सीधी सीधी ये बात इसमें कही गई है। तो वैल्यू एजुकेशन की प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, कंटेंट के अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इजी टू एप्लीकेबल होना चाहिए, और प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, थ्रू आउट मींस के सिंपल, आपको पहले बताना होगा फैमिली की इंपॉर्टेंट, आपको बताना होगा सोसाइटी की इंपॉर्टेंट, आपको बताना होगा वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट, देन जो स्टूडेंट है वो रिकवर करेगा, देन मींस के आप प्रोसेस, आपने जो प्रोसेस बना रखी वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा होना चाहिए जो ग्राफ रूट पर वर्क करने वाला हो। आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे कि इस धरती को बचाना है, अरे घर तो बचा लो पहले, समाज तो बचा लो, देश तो बचा लो, दुनिया तो बाद में बचाना, प्रकृति की चिंता बाद में करना, पहले एक बार घर की तो चिंता करो, पड़ोसी की चिंता बाद में करना, पहले मां से तो पूछ लो कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है। तो आजकल का क्या वैल्यू एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आई है कि हम ग्लोबल की बात करते हैं, हम कुछ ऐसी घटनाएं जो विदेश में घटी जिनका हमारे देश से और हमारी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, हम उनके बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन जो हमारे घर की व्यक्तिगत समस्या है, जो हमारे घर की प्रॉब्लम्स है, हम उनको बाईपास कर देते हैं।
हमारे घर में किसी ने खाना खाया, वो भूखा है, वो बीमार है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पड़ोस ने देश में कोई 50,000 लोग भूख से तड़प रहे हैं, हाँ उनकी चिंता करना सही बात है, उनके लिए एक्शन करना सही बात है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आपको पहले फैमिली का सोचना होगा, फिर सोसाइटी का सोचना होगा, फिर नेशन का सोचना होगा, देन वर्ल्ड पे। हम डायरेक्ट पृथ्वी को बचा रहे। अब पृथ्वी को तो तब बचाएंगे जब हम ग्रास रूट पे खुद स्वच्छता का मिशन रखेंगे, खुद पेड़ पौधे लगाएंगे। खुद का घर बनाना है तो हमने पेड़ काट दिए, लेकिन कोई और अगर कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है वो पेड़ काट रही है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ग्लोबल परसेप्शन को बना रखा। तो यहाँ पर कंटेंट, प्रोसेस, बेसिक गाइडलाइन मैंने आपको तीनों क्लियर करा दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखे हैं उसकी, और अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए तो उन वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। खुद का खुद के बारे में जानना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, खुद का खुद के बारे में जानना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। भगवान बुद्ध खुद को जानने के लिए जंगल में गए, वहां उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या? आज आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी डिग्री के लिए कर रहे हैं, उस डिग्री को अचीव करने से आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आने वाला है, क्या कोई जॉब लगने वाली, क्या करियर परसेप्शन से या रिकॉग्निशन है, फैमिली प्रेशर है, क्यों कर रहे हैं? और अगर आप वो डिग्री अचीव भी कर लेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? अब इसको और नैरो करते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आज जो आपने करा, आज जो आपके 24 आवर्स की एक्टिविटी थी, ये आपके लाइफ पे क्या इंपैक्ट कर रही है, ये आपके लाइफ में कहां पे आगे ले जा रही है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आज आप कहां है, इस पॉइंट पे हूं मैं और इस पॉइंट पे मुझे जाना है, ए पॉइंट पे हूं, बी पे मुझे जाना है, तो जो जा रहा हूं उसका जो रास्ता है वो क्या है, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। मैं खुद के बारे में जानूं, खुद का स्वॉट एनालिसिस करूं कि स्ट्रेंथ वीकनेस मेरी जो है, स्वॉन एनालिसिस होता है अगर इंडिविजुअल का बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अचीवमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट। मेरी क्या लाइफ के अंदर अचीवमेंट है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मैं मेरी लाइफ में क्या करने वाला हूं, तो दैट इज स्वॉन एनालिसिस। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा, आज जो मेरी लाइफ के अंदर कर रहा हूं क्या वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या एक दिन के अंदर मैं मेरे गोल अचीव कर पाऊंगा, और 5 साल के अंदर अगर मेरे को गोल अचीव करना है, इफ यू वांट टू बी अ बिलियनेयर, इफ यू वांट टू बी एनी सक्सेसफुल पर्सन एज योर माइंडसेट, कि अगर आपको लगता है कि आपके माइंडसेट के अंदर सक्सेस ये कि मैं करोड़पति बन जाता हूं, ये मेरे माइंड में सक्सेस है, अगर आपको ऐसा लगता है पहली बात तो वो गलत लगता है। फिर भी अगर मैं मान लेता हूं कि ये लगता है कि आप करोड़पति बन गए और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, तो आप उस तक पहुंचेंगे कैसे, क्या पाथवे रहेगा, आप कौन सा ऐसा प्रोसेस करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप जॉब करेंगे, हम जॉब करते हैं और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो कितनी हमारी अर्निंग होनी चाहिए कि हम वो पहुंचेंगे, हम अपने अंदर कितना स्किल अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हम क्यों करोड़पति बने, ऐसी कौन सी चीजें हैं उन करोड़पतियों में जो हमारे पास नहीं है। देखिए मनी तो है, लेकिन ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी बिजनेस टैक्टिक है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक प्रोसेस है जो बुक के अंदर एज इट इज आइडेंटिफाई की हुई है। सबसे पहला है बीइंग द कीन ऑब्जर्वर। कीन ऑब्जर्वर का मतलब कि आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद का स्वान एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस अचीवमेंट एंड नेक्स्ट, कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, आपकी कौन सी वीकनेसेस है, आपका कौन से अचीवमेंट्स हैं और आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। मींस के मैं इन इन चार चीजों में अच्छा हूं, ये चीजें मेरी वीक हैं, तो मेरे को वीक की ओर जोर देना है, मेरे को उनको अपलिफ्ट करना है। देन अचीवमेंट्स मेरे लाइफ के अंदर क्या है। अच्छा वीडियो लंबा ही होगा क्योंकि मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट को काफी इंटरेस्टिंग बनाने की मेरी तरफ से कोशिश रह रही है, लेकिन ये केवल बुकिश है, थ्योरी है, लेकिन ये जब आप सीख जाएंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज तो आपको आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करा जा सकता है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय, मेरे को लगता है कि 80-90% स्टूडेंट कभी भी अपनी लाइफ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते,
ठीक है, कि उनको कहाँ करना है, उनको कौन से मैथ्स के इक्वेशन जो आपके एल्जेब्रा के हैं उनको कहाँ हम यूज करें, कहीं हम यूज नहीं कर पा रहे। अल्फा बीटा गामा को हम कहाँ यूज करेंगे, नहीं कर पा रहे, बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी लाइफ का कीन ऑब्जर्वर बन जाओ, ठीक है मेरे को ये बनना है मेरी लाइफ के अंदर, फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम, यानी कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि ये चीज करनी है, ऐसा ऐसा करी जा सकती है। आपको ड्रीम नहीं करना, आपको एम करना है। अगर आप ड्रीम करोगे तो वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी, अगर आप एम करोगे, काफी अच्छा वेब सीरीज का डायलॉग था कि अगर एम करोगे तो वो चीजें के विजुअलाइज होना शुरू हो जाती है कि वो कैसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चेजिंग अवर स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब लाइफ तो हमेशा अप डाउन चलती रहती है, कभी भी स्ट्रेट वे में चलती नहीं है, बट उसको हमारे को स्ट्रॉन्ग इमोशन को फॉलो करना है कि हाँ मुझे कैसे भी ये काम करना ही है। नेक्स्ट, कोर वैल्यू एंड बिलीफ, वो जो चीजें आपको करनी है, खुद पे भी भरोसा रखना है। भरोसा एक ऐसी चीज है कि हम हमेशा आधा अधूरा करते हैं, भगवान पे करते हैं कि भगवान है, लेकिन आधा अधूरा करते हैं कि है, लेकिन अगर कोई हमें डराए तो हम ये डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है, जो होगा उसकी इच्छा से होगा, ठीक है, जो होगा हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हम भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर बिलीव लिखा है ना कि बिलीव लिखा है। ठीक है, हम साइंस पे बिलीव करते हैं, बिलीव है ना, बिलीफ नहीं, बिलीव, बिलीव करते हैं कि अगर लाइट स्विच ऑन किया तो लाइट चालू होगी, तो दैट इज माई बिलीफ, बिलीव। लेकिन बिलीव, भरोसा, ये कुछ भ्रांतियां हैं कि मैं गणेश जी की आरती करूंगा और सरस्वती माँ की आरती करूंगा तो मेरे अंदर विद्या आ ही जाएगी, उसके लिए प्रयत्न करना होगा, ठीक है, उसके लिए एफर्ट करनी होगी। हाँ, कोई मिरेकल हो जाए आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इन द नॉर्मल परसेप्शन आपको एफर्ट करना होगा, बिना कर्म के आपको फल नहीं दिया जाता, ये हमारी सृष्टि का नियम है। आप कर्म करिए, आप एफर्ट करिए, आज नहीं तो कल आपको आपका एम मिल ही जाएगा। तो लास्ट लाइन है, नोइंग लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन क्या है, आप कोई भी गेम कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप एक सोशल एनिमल, आपकी फैमिली, ऐसा नहीं कि मेरे को ठीक है मेरे को सन्यासी बन के सारे काम करने हैं, आप अपनी फैमिली में रहेंगे, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे और उसके साथ अपने जो एम है उनको अचीव करने के लिए दिलो जान से लगे रहेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है क्या, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब, नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरली एक्सेप्टेंस का मतलब, ये अलग पॉइंट है, वापस फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट शायद स्टार्ट हो गई है। नेचुरल एक्सेप्टेंस है क्या, नेचुरली एक्सेप्टेंस का मतलब जो सब कुछ एक्सेप्ट हो, मीन्स के आप स्वतः ही वो चीजें मान जाए, जैसे कि मैं स्वतः कह देता हूं कि शराब पीना बुरी बात है, ठीक है, घर पे अपन वो नहीं अलाउड है, तो शराब पीना बुरी बात है स्वतः ही मान जाते हैं, किसी का बुरा करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तो अपन नेचुरली एक्सेप्टेंस मीन्स के उसको मानने में या ना मानने में हमें कोई विरोधाभास ना हो, हम कहीं पे भी रिवोक ना करें, वो नेचुरली एक्सेप्टेंस मीन्स द रूल्स जो नेचुरली एक्सेप्टेड हो, ये भी एक तरीके के रूल्स ही हैं या एक तरीके के फ्रेजेस हैं। अब मैं कह दूं कि बीजेपी पार्टी अच्छी, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर कांग्रेस अच्छी, कुछ कहेंगे आप पार्टी अच्छी, कुछ कहेंगे सपा अच्छी, कुछ कहेंगे बसपा अच्छी, तो डिपेंड करेगा कि इसमें सबसे परसेप्शन क्या है। लेकिन मैं ये कह दूं कि हाँ डेमोक्रेसी इज बेटर, तो कुछ में भी कहेंगे नहीं सर डेमोक्रेसी की जगह अगर मोनार्की होती तो वो ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर डिफरेंशिएट आया। लेकिन मैं कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएचर बाय गॉड, कि भगवान की सबसे सुंदर जो कृति है वो इंसान है, क्रिएशन है, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूं तो आप सभी मान लेंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये नेचुरली एक्सेप्टेड चीज है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि दिमाग, दिल एक तरफ कह रहा है और दिमाग दूसरी तरफ कह रहा है, इसके अंदर बिल्कुल भी अपनी ऐसी बातें नहीं होंगी, तो दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेड कि एक और दूसरा दोनों अलग अलग दिशा में ना होके सिमिलर वे में चल रहे हैं, दिमाग भी वो कह रहा है और दिल भी वो कह रहा है और फिजिकल बॉडी भी वो कह रही है, सोसाइटी भी वो कह रही है, नेशन भी
हमें सबको राष्ट्रभक्त होना चाहिए, हमें सबको देश प्रेमी होना चाहिए, कोई भी इसमें विरोधाभासी नहीं होगा, कोई भी किसी कास्ट कम्युनिटी एज ग्रुप जेंडर किसी को भी बिलोंग करता हो वो ये नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस इट मीन एज ऑल आर एग्री इन वन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल, और देर इज नो रिवोक नो प्रोवोक कि कुछ भी इसके अंदर टकराव ना हो किसी का भी, और हम सब इस बात के ऊपर एग्री हो, यही कहलाता है नेचुरली एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मतलब कहता हूं कि जान है सब्जेक्ट की यह टॉपिक, और क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी बात है। कंटिन्यूस हैप्पीनेस, अब लगातार कोई कैसे खुश हो सकता है? आप फुटबॉल मैच खेलने गए, आपने फर्स्ट गोल करा, आप खुश हो गए, थोड़ी देर सामने वाली टीम ने गोल करा, फिर से उदास हो गए, तो कंटिन्यूस कैसे हैप्पी रहा जा सकता है? कोई कॉमोडिटी अपने पास जब तक नहीं होती तब तक हम दुखी खुश नहीं होते, और जैसे ही वो अचीव हो जाता है थोड़ा टाइम उसको एंजॉय करते हैं और फिर ह्यूमन नेचर होता है कि वो सैड हो जाता है। मेरे पास कार नहीं थी, थोड़े समय तक मैं परेशान रहा, एक साल दो साल, फिर कार आ गई मेरे पास, मैंने थोड़ा दिन कार चलाई, एक महीना दो महीना हुआ, फिर मेरे को मन लगा कि नहीं अब थोड़ा अपर वर्जन की कार चाहिए, अब अपन को अल्टो नहीं चाहिए, अब अपन को ये ऑडी कार चाहिए, ऑडी आ जाएगी तब अपन अदर कार की स्पोर्ट्स कार चाहिए, अपन को ये वाली कार चाहिए, अपन को वो कार चाहिए। तो वो कॉमोडिटी जो है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको सेटिस्फेक्शन देती है, हैप्पीनेस देती है, लेकिन कंटिन्यू हैप्पीनेस नहीं मिल पाती और पूरे जीवन हमारा इसी राउंड में गुजरता रहता है कि हमको कंटिन्यूस हैप्पीनेस कब मिलेगी, और ये तभी मिलेगी जब आप ये सोच लोगे कि भगवान ने जितना भी आपको दिया है वो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन एफर्ट करना बंद नहीं करना। ऐसा नहीं कि भगवान ने दिए 40% बहुत होता है, पास हो गए चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं कह रहा हूं। भगवान ने आपको साइकिल दिए तो प्रयत्न आपको गाड़ी का करना है, अगर आपको बाइक दिए तो प्रयत्न कार का करना है, कार दिए तो और बड़ी कार का करना है, ठीक है? तो आपको भगवान ने जो चीज दी है उससे आगे का आपको प्रयत्न करना है, कर्म करना है, लेकिन जो है उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? परेशान नहीं होना है, कर्म हमेशा निष्फल काम की आप भावना से करा, वैसे बोलना काफी कठिन है और करना तो इससे भी ज्यादा कठिन है इसको, कि बिना फल की इच्छा के, गीता में यही लिखा है बिना फल की इच्छा के आप काम करते जाओ, क्योंकि फल पे आपका कोई भी जोर नहीं है, फल आपके कर्मों के अनुसार भगवान खुद डिसाइड कर लेगा। लेकिन हम हैप्पीनेस की तलाश में कभी ये कॉमोडिटी कभी वो कॉमोडिटी कभी मनी कभी मोबाइल कभी गैजेट्स एन नंबर ऑफ थिंग्स ले जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए हमको हैप्पीनेस देती है, और जैसे ही हमारा वो फेस खत्म हो जाता है हमारी हैप्पीनेस भी खत्म हो जाती है। अब प्रॉस्पेरिटी भी वही है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? हैविंग मोर देन इनफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी मींस हैविंग मोर देन इनफ, जो हमारे पास हैविंग मोर देन नेसेसिटी कह लो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, हैविंग मोर देन नेसेसिटी, जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अगर हमारे पास ज्यादा होता है तो प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। जैसे कि अगर मेरे को अभी रिकॉर्डिंग के लिए एक कैमरे की जरूरत है और मेरे घर पर अभी 5 कैमरे हैं, तो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है इन द फेस ऑफ कैमरा। मेरे पास एक गाड़ी की जरूरत है मेरे को मेरे कॉलेज जाने के लिए और वापस आने के लिए, यदि मेरे पास 2 कैमरा है तो 2 गाड़ी है तो मेरे पास प्रॉस्पेरस हूं मैं तो समृद्ध हूं। तो समृद्धि और कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस ये ऐसी चीजें हैं, अगर हम प्रॉस्पेरिटी को अगर केवल साधन समझेंगे तो हम कभी भी चीज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं और आपके दोनों हाथ पांव अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके सारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं, तो यकीन मानिए आप करोड़ों लोगों से ज्यादा प्रॉस्परस हैं, बहुत से लोगों से ज्यादा गुणी हैं। अगर आपके घर पे माता पिता हैं तो आप यकीन मानिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि आप करोड़ों लोगों से ज्यादा प्रॉस्परस हैं। यदि आपके पास एक फैमिली और 2 टाइम्स का फूड अवेलेबल हो रहा है, आपको 2 दिन का फूड अवेलेबल हो रहा है, तो हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर कितना पीछे है, ठीक है? पास के देशों से भी, हमारे भूटान जैसे देश से भी हम हंगर इंडेक्स में पिछड़े हुए हैं। तो अगर आपको 2 टाइम खाना भी मिल रहा है दोस्तों, तो ये समझिए कि भगवान ने आपको प्रॉस्परस बना रखा है, समृद्ध बना रखा है, ठीक है? तो प्रॉस्पेरिटी और उसी के हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मोनी इन माइंड सेल्फ। तो अब अपन को यहाँ समझना है कि कुछ वर्ड है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से वर्ड है सर? ये है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। तो हार्मोनी वर्ड का मतलब क्या होता है, हार्मोनी होती क्या है, हार्मोनी वर्ड में है क्या, हार्मोनी हार्मोनी कहते किसे हैं, हार्मोनी का मतलब कि आप
किसी बात पे एग्री या डिसएग्री होते हैं, आप कोई बात जानते हैं उसको बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। अब यहाँ पे हार्मोनिक बीन माई सेल्फ में दो पॉइंट है, पहला है आय और दूसरा है बॉडी। अब साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस के सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर बॉडी होती है, आय कुछ भी नहीं होता। साइंस कभी नहीं मानता कि फिजिकल बॉडी के अलावा एक ब्रेन होता है जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आय का मतलब है चेतना, मन, ठीक है। आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज मूड नहीं है, तो ये आपका आय है, न कि आपकी फिजिकल बॉडी। तो ये क्या चीजें हैं, फिर एक एग्जांपल देके समझाता हूं। यदि आप सपना देख रहे हैं, अपन सब देखते हैं सपना, सपने में अपन को कुछ एक्टिविटी करते हुए देखते हैं कि अपन कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कभी डर के खराब डरावने भी सपने आते हैं। तो उसके अंदर जो सपना देख रहा है वो आपका आय है, और जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो आपकी बॉडी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि आय होता है, ऐसा मेरा मानना है कि मन होता है, आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होती है, आप माने ना माने, लेकिन बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो एग्जाम में तो अपन को ये लिख कराना है कि आय और बॉडी आर डिफरेंट थिंग, और बोथ आर एग्री इन वन पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ आर एग्री इन वन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड हार्मोनी इन माई सेल्फ। मींस मैं भी ये काम करना चाहता हूँ और मेरी फिजिकल बॉडी भी ये काम करना चाहती है, तभी वो काम 100% सही या गलत होगा। अब ये काम 100% सही या गलत होगा, या हम उसके अंदर अच्छे से एफर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, वो भी अगर मान लो किसी पसंदीदा मेरे एक्टर की है, तो 3 घंटे का समय अपने लिए 1 मिनट या 2 मिनट में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आय और बॉडी दोनों साथ में सिमिलर वर्क कर रहे हैं और एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अगर दोनों के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों एक ही बात पर एग्री या डिसएग्री हैं, दोनों हार्मोनी में, इसलिए आपका 1 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे क्लिक में निकल जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बॉडी अलग बिहेव कर रही है और आय अलग बिहेव कर रहा है, तो वो 5 मिनट भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं जब हम बोर हो रहे हैं। कहते हैं बोर हो रहे, क्यों? क्योंकि माइंड कहीं और लगा हुआ है और फिजिकल बॉडी कहीं और गई। आप क्लासरूम में बैठे हो सकते हैं, आप ये वीडियो सुन रहे हो सकते हैं, और माइंड में आपको कहीं और भी चल सकता है। तो आपके समझने की आपकी क्षमताएं जितनी है, भगवान ने जितना भी सुंदर क्रिएशन बनाया है इंसान को, उसमें अपार क्षमताएं दी है। वो बहुत सी चीजें याद कर सकता है, बहुत सी एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन तब जब वो आय और बॉडी उसके साथ में वर्क करे। जब आय अलग सोच रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है, मन क्लासरूम के बाहर है, तो कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, कहीं कितना भी अच्छा साइलेंट एटमोस्फियर हो, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कितना भी शोरगुल हो, लेकिन अपन जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, अपना सामने वाला कोई बात कह रहा होता है, म्यूजिक भी चल रहा है, आसपास के लोग बात भी कर रहे हैं, तब भी वो बात अपन को काफी अच्छे से समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि अपन काफी हैप्पी जॉय मोमेंट में है, खुश है, प्रॉस्परस है, ठीक है, अपन को लगता है कि अपन हैप्पी है, और वहां पर आय और बॉडी एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, जब भी आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना होगा, आपकी बॉडी और आय को एक साथ वर्क करना बहुत जरूरी है। यदि दोनों आय के साथ वर्क नहीं करेंगे, तो आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। एग्जाम हॉल में भी होता है, कितना भी कोई भी कितना भी वीक स्टूडेंट हो, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, एग्जाम हॉल के अंदर बहुत जो लंबा समय अगर पेपर आता है, तो 3 घंटे का समय 5 मिनट के अंदर ऐसा लगता है इतना ही समय है हमारे पास, जबकि वो 3 आवर्स रहते हैं, 2 आवर्स रहते हैं, 2.5 आवर्स रहते हैं, 1.5 आवर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी और आय उस समय वर्क एक साथ कर रहे होते हैं। जितने भी खोजें हुई हैं, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो अपने एफर्ट में लग जाते हैं और फिर उनकी बॉडी आय एक ही तरह से पॉइंट आउट करती रहती है। अगर ऐसा ना होगा तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी फिजिकल बॉडी कुछ कह रही है, अगर फिजिकल बॉडी थकी हुई है, लोग जिम जाते हैं, फिजिकल बॉडी थकी हुई है और दिमाग कह देता है हाँ रेस्ट करते हैं, तो छुट्टी हो जाती है। लेकिन दिमाग कहता है नहीं जाना ही है, वेट लॉस करना ही है, तो आप पहुंच जाते हैं और आपकी बॉडी उसी ढंग से बिहेव करती है जिस ढंग से आप उससे करवाना चाहते हैं। मींस कि फिजिकल बॉडी, आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्लेन, ये एग्जाम में बार बार आया हुआ है, उसमें बस यही है कि आय जो है वो पूरा का पूरा वर्क बॉडी से कराता है। आपको लगता है आपको काम कर रहे हैं, आपको लगता है आपको खाना खा रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल बॉडी की कुछ नीड है जिसको आप फुलफिल कर रहे हैं। खाने के बाद यदि आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो आप आय को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जब आपका मन तभी सेटिस्फाइड होगा जब आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, यानी बॉडी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। उसके अकॉर्डिंग कहीं भी बिहेव नहीं करा, पढ़ाई में मन नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आय को बैठा दो, कमरे में बैठा दो, कॉपी हाथ में पकड़ा दो, नहीं, दिमाग के अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, कितना भी एफर्ट कर लो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आय का उस समय मन
नहीं है। इसीलिए आपको आपको लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना है, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टास्क, तो फंडा है कि मन से भी वही काम करना है और फिजिकल बॉडी भी वही करना है। जब दोनों काम होते हैं तो एक असंभव से प्रयास, असंभव से चीजें हमारे सामने आती कि ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता था, इसने कर कैसे लिया। इच्छा शक्ति, ये आपका केवल आय ही कॉन्सेंट्रेट करता है। अब जो बॉडी सुख और सुविधा, सुख और सुविधा, सुख जो है वो आय का परसेप्शन है, सुविधा जो है वो फिजिकल बॉडी का। मोबाइल चाहिए तो किस लिए चाहिए, कहीं बात करना है, तो सुख जो है वो एक मेंटल स्टेज है। मैं एसी में बैठा हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा अपन मेंटल स्टेज है, काफी अच्छा एटमोस्फियर है। सुविधा फिजिकल बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ह्यूमन बींग को रहना पड़ता है, 5-4-5 टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ आदमी खत्म, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे गया आदमी खत्म। तो सुविधा तो हमको एक फिजिकल कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसके बाद हम उसमें अगर और कंफर्टेबल जोन जाते हैं और हमको लगता है कि सुख, जैसे कि कार में बैठ के इंसान को लगता है कि वो सुखी है, तो वो मेंटली है नॉट फिजिकली, यकीन मानिएगा, मेंटली है नॉट फिजिकली। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य, संयम एंड स्वास्थ्य का यह मतलब है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं हम उस पर काबू रखें, हम वही चीजें करें जो हमारी बॉडी के लिए फिट हो। पेट भरा हुआ भैया, उसके बाद भी एक खाना और उसके बाद भी कोई फेवरेट चीज आ गई तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य यानी कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने आय को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जो व्यक्ति आय को कंट्रोल कर पाता है वही आगे जाके लीडर बनता है, ठीक है, बाकी तो सब मैनेजर जैसे जॉब करने वाले बन ही जाते हैं। तो संयम एंड स्वास्थ्य थोड़ा सा ब्रीफ में चल रहा है क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बार बार एग्जाम में अंदर पूछा जाता है। इसमें अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, बॉडी इज माय ओनली इंस्ट्रूमेंट, तो एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रूमेंट दिस लाइन एंड यू सेड दैट इज द नोइंग रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलिंग इज द पार्ट ऑफ आई, और फुलफिलिंग का लास्ट का जो पार्ट है वो बॉडी का है। बॉडी इज ओनली जो आई कमांड देता है उसी के ऊपर रिएक्ट करती है। आज मन नहीं है तो कोई भी चीज हो जाए, आपकी बॉडी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, एफर्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट नहीं आने वाला, तो दैट इज द थिंग। और इसको अगर आपको कंट्रोल रखना है बॉडी को, तो संयम के साथ यानी आय को कंट्रोल करोगे तभी फिजिकल बॉडी डेवलप होगी, तभी वो स्वस्थ होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। हाँ, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर डिटेल में आया है नेक्स्ट पॉइंट फिर से, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी आय विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य। अब जो संयम और स्वास्थ्य, संयम और स्वास्थ्य है क्या? संयम और स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य आपके संयम पे ही डिपेंड है। आपकी जो फिजिकल नीड है, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो शाम को दही नहीं खाना, अब आप खाते हैं टेस्ट के लिए, फिर भी क्या होगा, आपका स्वास्थ्य डगमगा जाएगा, आपका कुछ रात तक देर तक नहीं जगना, आप जगते हैं गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, मूवी देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, सुबह उठने में फिजिकल बॉडी को दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि वो उतनी कैपेबिलिटी से वर्क नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि जब एग्जाम हो एक दिन पहले आप थोड़ा सा, उसके 2-3 दिन पहले थोड़ा लंबा समय, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें, ताकि एक दिन पहले अगर आप कम भी सोते हैं तो आपको दिक्कत ना आए, आपकी फिजिकल बॉडी उसी तरीके से बिहेव करे। तो संयम और स्वास्थ्य, तो ये संयम तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने सारी इंद्रियों को वश में रखेंगे, और इसके लिए कोई तपस्वी मुनि होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमेशा अपन को सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक पॉइंट मैंने आज ही बताया है, कौन सा चेजिंग अवर स्ट्रॉन्ग इमोशन। हमारा जो गोल हमने डिसाइड कर लिया, कैसे भी करके मुझे वो पाना है, मेरे को बस दिमाग में वही होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके वो गोल अचीव करना है, और वो जो चीजें जो भी इसके रुकावट आ रही है उसको एक जहर के बाद ही मुझे छोड़ देना है। तो दैट इज द की पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ, सॉरी, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट एज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब ये जो ट्रस्ट है ये फाउंडेशन वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप का। अब क्या है फाउंडेशन वैल्यू? फाउंडेशन यानी कि ये बेस होता है। यदि हमको किसी पर ट्रस्ट है, पहली बात तो हमको आधा अधूरा ही ट्रस्ट होता है। आप बहुत से लोग कहते हैं मेरे को भगवान पर ट्रस्ट है, ठीक है, कोई रिवॉल्वर दिखाएगा, गन दिखाएगा, डर जाएगा। अरे जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भी भगवान की इच्छा से होगा। अगर ट्रस्ट करते हो तो बिलीव करो कि वो ट्रिगर फायर करेगा, आप मरोगे नहीं, बेवकूफी मत करना भाई, भग जाना, ये सीधी सीधी राय है। क्योंकि ट्रस्ट आपको हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, आपके अंदर वो मीरा की शक्ति नहीं कि जहर के प्याले को भी अमृत बना दो। तो ट्रस्ट क्या है?
ट्रस्ट कौन सी ऐसी चीज है? ट्रस्ट वो चीज है कि आपको विश्वास होना चाहिए, और उसी की हर रिलेशनशिप की, अब यहाँ पे रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही नहीं, यहाँ पर फादर मदर का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, फ्रेंड्स का रिलेशन है, कलीग्स का रिलेशन है, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। ट्रस्ट होना चाहिए कि ये वो काम कर सकता है, ये वो काम नहीं कर सकता। हम परसेप्शन लगाते हैं, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, हम परसेप्शन लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि ये वो काम कर जा सकता है, ये वो काम नहीं कर सकता, और ये एक हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन वैल्यू होती है, और इसी के ऊपर आपका रिलेशनशिप टिका होता है। जिस दिन ट्रस्ट गया उस दिन रिलेशनशिप एंड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, विश्वास और ट्रस्ट दोनों सिमिलर चीज है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। इंटेंशन, मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम कर सकता हूं, कॉम्पिटेंस यानी कि उस काम को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। मैं सर एमएस पावर पॉइंट पे एक बहुत अच्छी पीपीटी बनाना चाहता हूं, लेकिन पहले कंप्यूटर तो चलाने आना चाहिए। मैं एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी लेके जाना चाहता हूं, गाड़ी की ड्राइविंग आनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंस मीन्स कि किसी काम को करने की योग्यता, इंटेंशन टू विलिंग टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। इजी है, ज्यादा इसके अंदर कोई परेशान करने वाले पॉइंट नहीं है। आगे अपन चल रहा हूं, कोई डाउट हो, कोई इशू हो, बहुत ही एफर्ट लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश चल रही है। अगर कहीं भी इंप्रूवमेंट का चांस है तो प्लीज मुझे बताइएगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, या सर समझ में आया कुछ तो जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक डिसलाइक से बात नहीं चलेगी, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, भले शेयर करें ना करें, कहीं लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। अच्छा, सारे के सारे हिंदी वर्ड जितने भी थे एमबीए की क्लास में या प्रोफेशनल एग्जाम में, मैंने एक साथ ले लिए ताकि आपको बार 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 कोई परेशान होने की जरूरत ना रहे कि कौन सी चीजें हैं सर ये सारे अपने हिंदी वर्ड, इसके बाद कोई हिंदी वर्ड इसमें बचता नहीं है। पहला वर्ड है समाधान। समाधान का मतलब है यहां पर सॉल्यूशन। सर ये तो हमें भी पता है समाधान का मतलब सॉल्यूशन होता है, पर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन फॉर ग्रेवियंस विद इन आवर सेल्फ, यानी हार्मोनी बैठाना, यानी हमको हार्मोनी किसमें होनी चाहिए? सोसाइटी में होनी चाहिए, हमारे सेल्फ में होनी चाहिए, खुद में, नेशन में होनी चाहिए, नेचर के साथ होनी चाहिए। तो हमारा समाधान करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज द मीनिंग ऑफ समाधान। ठीक है, नेक्स्ट समृद्धि। समृद्धि इज इक्विवेलेंट एज द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, अब ये प्रॉस्पेरिटी का सर मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का ये मतलब है कि यहां पर आपको जो पॉइंट कहे गए हैं, जो भी आपके पास नेसेसिटी है उससे आपके पास यदि ज्यादा होता है तो आप प्रॉस्परस हैं, मींस Having more than enough, या enough से ज्यादा है या necessity से ज्यादा है, necessity मान लेते हैं, enough तो आप maximum में चले गए, necessity से ज्यादा होना prosperity, यानी समृद्धि। कोई व्यक्ति समृद्ध है, मेरे पास लिखने के लिए एक मार्कर होना चाहिए, दो मार्कर है तो मैं समृद्ध हूँ, एक गाड़ी होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दो गाड़ी है तो समृद्ध है, तो समृद्धि समझ गए। अब है टू fearless task, परफॉर्म एनी fearless task। तो अभय का मतलब क्या है? आपको परफॉर्मेंस देनी है। अभय का मतलब किसी से डरना नहीं। गांधी जी ने कहा था निर्भय बनो। क्या कहा था? निर्भय बनो। वाहेगुरु जी कहते हैं आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। तो अभय का मतलब यह है कि कोई भी आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमेशा बिना डर के परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं, एंजाइटी में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एन नंबर से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप रिलेशनशिप में है, दोनों के इक्वल संबंध होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, दोनों हैप्पी होने चाहिए, देयर इज बंधन है, बाध्यता नहीं। नेक्स्ट, सहअस्तित्व। सहअस्तित्व एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। सहअस्तित्व मीन्स कि हम स्वीकारें कि हम पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं है, पृथ्वी यहाँ पर जानवरों के लिए भी है, पृथ्वी यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए भी है, पृथ्वी यहाँ पर को एग्जिस्टेंस करने वाले हमारे अदर 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 ह्यूमन बींग के अलावा जितने भी भगवान ने तत्व बनाए हैं उन सबके लिए भी है। तो को एग्जिस्टेंस इन्हीं के साथ हमको ग्रोथ करना है। अगर हम इनको मिटा के ग्रोथ करने की सोचेंगे, यदि हम शेरों को मार के ग्रोथ करने की सोचेंगे, पेड़ों को काट के ग्रोथ करने की सोचेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो एग्जिस्टेंस वी लिव टूगेदर इन दिस अर्थ With all the orders. Orders का क्या है वो आगे अपन देख लेंगे। Comprehensive human goal, बहुत ही अच्छा point।
यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का मैं कहता हूं कि मैं अगर एग्जामिनर हूं तो ये क्वेश्चन हमेशा दूंगा कि व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। ह्यूमन गोल क्या होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास एक फेज है, याद कर लेना, लिख देना, भले किसी भी पार्टी का समर्थक हो काफी लिख देना, आसान रहेगा। सबका साथ सबका विकास, तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब सबका साथ सबका विकास में केवल इंसानों की बात नहीं है, यहाँ पर एनिमल भी है, यहाँ पर प्लांट भी है, यहाँ पर रिवर्स भी है, यहाँ पर माउंटेन्स भी है। सबका साथ सबका विकास का मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम कोएग्जिस्ट करें, ऐसा वातावरण दें जो अभय हो, इसके यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, हर व्यक्ति के पास समाधान हो। समाधान का मतलब वो अगर उसके पास कोई केस हो जाता है तो एक जस्टिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए जहां पर हम हमारा सॉल्यूशन निकाले, हमको जस्टिस मिलना चाहिए। तो प्लांट को भी मिलना चाहिए, एनिमल को भी मिलना चाहिए, ह्यूमन को भी मिलना चाहिए, माउंटेन्स को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, मीन सब साथ में इस तरीके से बढ़े कि आपका पास समाधान भी हो, आपके पास समृद्धि भी हो, आप अभय भी रहे, यानी किसी को किसी से डरने की जरूरत ना हो। कोई अमीर है तो उसको गरीब से, अमीर है तो दूसरे माफिया से डरने की जरूरत ना हो, गरीब को अमीर से डरने की जरूरत ना हो, और सभी सह अस्तित्व में एक साथ वर्क करें। रिवर है उनको गंदा ना किया जाए, एनिमल है उनको फ्रीडम दिया जाए, बर्ड्स है उनको पिंजरे में कैद ना रखा जाए। ये आजकल कल्चर बहुत ही सोसाइटी में बहुत ही गंदा चल रहा है कि लोग बर्ड तक कैप्चर करके रखते हैं। बर्ड उड़ने के लिए पैदा हुई है, उसको गॉड ने उड़ने के लिए बनाया है, वो हवा में उड़ने के लिए बनी है। आप उसको पिंजरे में ले आते हैं, तोते को ले आते हैं, जिंदगी भर रखते हैं, वो राम राम बोलता है, मिर्ची खाता है, आपको लगता है कि आप उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो उसका नेचर है आपने तो उसको उसी से ही रोक दिया। ठीक है, शास्त्रों में कहा है कि गाय को बांध के रखो और कुत्ते को खुला छोड़ो। ठीक है, तो आजकल होता दूसरा है, कुत्ते को तो हम बांध के रखते हैं 8,000-9,000 रुपए कुत्ते के ऊपर पर मंथ, जिनको भी डॉग लवर्स हैं उनके लिए माफी, लेकिन 8,000-9,000 पर मंथ खर्चा करते हैं। लेकिन जो गाय हमारे पास दिख जाती है या कोई दूसरा एनिमल दिख जाता है उनके ऊपर खर्चा नहीं करते, या कोई भूखा व्यक्ति अपने घर आ जाता है उसके ऊपर खर्चा नहीं करते। That's, तो यही कहा था मैंने आगे वाले कुछ स्लाइड्स में कि पहले हमको हमारे घर की चिंता करनी है, उसके बाद हमको हमारे सोसाइटी की चिंता करनी है, उसको अब हमारे घर हो गया, सोसाइटी हो गया, नेशन हो गया, इसके बाद नेचर शुरू होता है। आप पहले अपना देश तो समृद्ध करो, आप पहले अपने आसपास को स्वच्छता रखना शुरू करो, आप अपने आसपास जो चीजें हैं जो एनवायरमेंट है उनकी सोच रखना शुरू। डॉग रखना चाहिए, इंडियन ब्रीड के रखिए, बहुत अच्छे होते हैं। देसी कुत्ते रखिए, घर के बाहर रहते हैं, आराम से आपकी सुरक्षा करेंगे, काफी हेल्पफुल रहते हैं, कोई उनके चिंता नहीं रहती कि केवल पेडिग्री खाएंगे। लेकिन हम चले जाते हैं इसमें संपन्नता देने, आई को माइंडसेट रखने को कि डॉबरमैन रखेंगे, लेब्राडोर रखेंगे, पर्टिकुलर डॉग ब्रीड होगी तो हमारा रिकॉग्निशन होगा ना है। पहले अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का केवल यही मतलब है कि आप ऐसी चीजें रखें सबका साथ हो सबका विकास हो, बर्ड्स को उड़ने के लिए बनाया भगवान ने, आपको उसको पिंजरे में रखने के लिए आपने रख रखा क्योंकि आपने उसको अपने काबू में रख रखा है, इसलिए नहीं। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आते आते अपन थोड़े एंड तक आ गए हैं, कहीं पे इस वीडियो के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई ह्यूमन वैल्यू का या प्रोफेशनल एथिक्स का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आगे और डिटेल में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ऑर्डर, इसके अंदर लिखा हुआ है यूनिवर्सल ऑर्डर के अंदर फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है ये। तो अब आया एजुकेशन सिस्टम में, हमारा तो पुराने जमाने से बोला वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो मेरी व्यक्तिगत समस्या है। आज खुद के दोस्त का एक्सीडेंट होता है हम दौड़े चले जाते हैं, आज किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट होता है हम दौड़े चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है हम चले जाते हैं। खैर, तो वहां भी नहीं जाते लोग, फैमिली मेंबर छोड़ो, खुद की फैमिली में मदर फादर को प्रॉब्लम आती है तो कहना तो नहीं चाहिए, पर दिल दुखता है तो बोल देते हैं कि वहां पे भी बहुत से बच्चे नहीं जाते। ईमानदारी से पूछेगा आपने दिल पे हाथ रख के कि आज कितने जनों को यह पता है कि उनकी माता पिता ने खाना खाया कि नहीं खाया, और खाने में खाया तो क्या खाया, यदि आप आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि उनकी तबीयत कैसी है, आज उन्होंने कैसे खा, नहीं पता। लेकिन हमको 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर फेसबुक के फ्रेंड ने कौन सा खाना खाया उसका पता है कि वो कहाँ
घूम रहा है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, पहले हमारी फैमिली फिर वर्ल्ड फैमिली, हमको पूरा एक परिवार समझना है, हमको सबकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम समझना है, और इसी को यूनिवर्सल ऑर्डर कहते हैं। सर्व हाँ ऑर्डर के अंदर इसके सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, यानी आपको पूरे वर्ल्ड को एक ही समझना है, सारे के प्रगति में हाथ बटाना है। आगे चलते हैं, चार ऑर्डर बुक के अंदर लिखे हुए हैं और यही चार ऑर्डर होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान है कि पहला ऑर्डर जो है यह है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर के अंदर आपके कितने आते हैं, सॉलिड जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये केवल एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ द ऑर्डर, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट है प्लांट एंड बायो, यानी कि प्लांटिक ऑर्डर इसको नॉर्मल बोला गया है, जो प्लांट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये एग्जिस्ट भी करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। पहले तो रिवर है, प्लांट है, माउंटेन है, सॉरी रिवर माउंटेन, जो केवल एग्जिस्ट करते हैं। ग्रोथ करने का काम प्राणी ऑर्डर में शुरू होता है, और उसके बाद आ जाते हैं एनिमल, जो ग्रोथ भी करते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, और इनके अंदर आय होता है। आय का मतलब इनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है, इनके अंदर ये सोचने समझने की क्षमता होती है। हाथी ये जानता है कि वो हाथी है, चींटी ये जानती है वो चींटी है, मक्खी ये जानती है वो मक्खी, मधुमक्खी ये जानती है वो मधुमक्खी, यानी उनके अंदर खुद की एक सोसाइटी होती है, खुद का सेल्फ बीइंग होता है, उनको ये पता होता है कि ये मेरी कास्ट कम्युनिटी का है। कास्ट तो नहीं होती उनके अंदर, कितनी अच्छी बात है, केवल कम्युनिटी होती। काश इंसानों में भी ऐसा होता कि हमारी कोई कास्ट नहीं होती, केवल कम्युनिटी होती, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट भी करता है, आय भी होता है, और एक इसके अंदर एडवांस फीचर होता है जो भगवान ने केवल हमको दिया है कि हम मुस्कुरा सकते हैं। तो यकीन मानिए एक बार तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जीवन में भगवान ने केवल एक ऐसा प्राणी बनाया जो मुस्कुरा सकता है। हाँ ठीक है, कुछ एनिमल्स के हम देख लेते हैं फोटो मुस्कुराते हुए, लेकिन उन सबके अंदर ये क्षमताएं नहीं होती। तो आप मुस्कुरा सकते हैं, आप अपने इमोशन बता सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है, आप डर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ द इमोशन जो ह्यूमन बीइंग है वो क्रिएट कर सकता है, एग्जिस्ट भी करता है, ग्रोथ भी करता है। ये नॉर्मल ऑर्डर्स है, फोर ऑर्डर्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। केवल ये डिफरेंस अपन को याद रखना है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर प्लांट सॉरी मटेरियल ऑर्डर के अंदर अपने आते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल। प्राणिक ऑर्डर के अंदर आते हैं प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एनिमल ऑर्डर के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब आते हैं, और एनिमल के अंदर बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बीइंग आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब बात आई है इथिकल की, यहां तक तो अभी तक बात ही नहीं चल रही थी, तो अब बात आई है हमारी इथिकल ह्यूमन कंडक्ट की। तो ये इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है, यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया इथिकल, ये वर्ड आया है इथिक्स से, किससे आया है, इथिक्स। तो अब ये इथिक्स है क्या, इथिक्स है अ सेट ऑफ गोल्डन रूल्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो इंडिया में नहीं अमेरिका में भी चले जाओगे तो वो रूल्स सही होंगे, जिसके वैल्यूज को अभी मैंने कुछ बताया था, और इथिक्स गोल्डन रूल्स है, इथिक्स आर द सेट ऑफ गोल्डन रूल्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। अब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, 30 साल, 40 साल, 20 साल, कोई भी जेंडर हो, बॉय हो, गर्ल हो, ठीक है, इथिक्स सही होते हैं, इथिक्स कभी भी गलत नहीं होते। हाँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, इंडिया में, अमेरिका, मेक्सिको, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये गोल्डन रूल से यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, दैट आर कॉल्ड इथिक्स। अब इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट यह है कि हमें सबका साथ सबका विकास करना है, वर्ल्ड फैमिली मानना है, हमें कभी भी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करनी है, हमें हमेशा वर्ल्ड के बारे में बात करनी है, हमें सोसाइटी के बारे में बात करनी है, हमें ह्यूमन बीइंग को आगे ले जाने के बारे में बात करनी है, हमें आय के बारे में बात नहीं करनी, दैट इज द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो बताइएगा, और इसके सबके ऊपर डिटेल वीडियो भी है, ठीक है, अगर और डिटेल में आपको जानना है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स। अभी मैंने इथिक्स बताया, सेट ऑफ गोल्डन रूल्स, नाउ प्रोफेशन, प्रोफेशन वर्ड से निकला है प्रोफेशनल, प्रोफेशन का मतलब आप किसी स्पेशल जो आपकी ट्रेनिंग हुई है और आपको कोई स्किल मिल गई उस ट्रेनिंग के थ्रू, आप MBA कर रहे हैं तो आपको एक स्किल डेवलपमेंट हुई होगी बिजनेस एक्टिविटी की, आपके अंदर कोई एनवायरमेंट में कोई सॉरी
आपके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट हुई कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीद के बेच सकते हैं, तो उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए, सप्लाई चेन सिस्टम चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए, बीसीजी मैट्रिक चाहिए, सब आपने पढ़ी है। तो एक ट्रेनिंग हो गया, आप स्किल होकर डेवलप हो गए। इसी तरीके से इंजीनियर है तो सीएस है, मैकेनिकल है, आईटी फील्ड हो गया, आजकल तो सिविल, ईसी, डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई ब्रांच भी आई है। तो ये एक स्किल से डेवलप होके जो जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं वो प्रोफेशन फील्ड में आ जाती है। और इस प्रोफेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स क्या है? ये रूल्स ये है कि आपको हमेशा टाइम पर काम करना है, आपको आपके बॉस का ऑर्डर फॉलो करना है, आपको कोई अंडी एडवांटेज नहीं लेना, आपको कंपनी के हितों को सर्वोपरि रखना है, आपको ऑफिस टाइम पर जाना चाहिए। दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। मींस कि आप किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आप एमबीए करे हुए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, ये रूल जो है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, आपको ये फॉलो करने ही चाहिए, करने चाहिए। सो दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं अपने। अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा ऐसी मेरी आशा है। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। फिर कह रहा हूं कि एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करी है मैंने, सारी चीजें इसके अंदर बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सोशली इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी मैनेजर्स एट द सोसाइटी एज म्यूचुअली एनरिचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबा डिटेल है, काफी लंबी पॉइंट है, काफी शॉर्ट में मैं बताऊंगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा कि एग्जाम में आपको इसको अप्रोच कैसे करना। एक जन ने मैं से पूछा, एक कमेंट आया था मेरे पास, सर व्हाट आर द इंजीनियरिंग डिजास्टर, कि इंजीनियर तो हमेशा क्रिएशन ही करते हैं तो वो डिजास्टर को क्रिएट कर सकते। तो इंजीनियर्स ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन उसको जो रूप दिया वो इंजीनियर्स ने दिया। तो दीज आर द इंजीनियरिंग डिजास्टर्स, जो चीजें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को, यानी कि पृथ्वी को ही नाश कर दें, यानी ह्यूमन बींग का बुरा करें, वो डिजास्टर्स में आएंगे। तो यहां पर क्या पूछना चाह रहा है, स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ऑर्डर, यानी सॉरी आज जहां है वहां से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक कैसे पहुंचा जाए। अभी अपन ने समझा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड फैमिली बनना है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सारे एनिमल प्लांट्स बर्ड्स सब खुशी से काम कर सकें, सबको जस्टिस मिले, सबको समाधान मिले, सबको न्याय मिले, सब समृद्ध हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहला एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज सोशली एंड इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजर्स, ये पूछा जा सकता है कि हमको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे अचीव करना है। व्हाट आर द पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। सबसे पहला है सोशली इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स क्रिएट करना। आप कुछ भी ऐसी मशीन ना बनाए, आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो इन्वेंशन ना करें जो सोसाइटी को हार्म करे, सोसाइटी को हार्म करे, ह्यूमन बीइंग को हार्म करे, नेचर को हार्म करे। एक ही घंटे में पूरा पेड़ काट दिया जाता है, आजकल तो सेकंड्स में पेड़ काट दिया। अरे वो बनाना ही क्यों, आपको ह्यूमन की एफर्ट कम करती है लेकिन एक पेड़ काट दिया। ऐसे वेपन्स बनाने ही क्यों, बुलेट बनाती भाई, एक AK-47 AK-56 राफेल एन नंबर होती है जो डिस्ट्रॉय का काम करती है, जो डेस्ट्रॉय का काम करती है। अब ये डेस्ट्रॉय का काम करना ही क्यों, ये ऐसी चीजें ना बनाए। तो इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे रेस्पॉन्सिबल और टेक्नोलॉजिकल मैनेजर्स बने, इंजीनियर्स बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने, मैनेजर्स बने, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वाटर प्रॉब्लम है, एनर्जी प्रॉब्लम है। आज हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, ई चार्जिंग स्टेशन की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक की बात करता है। तो ऐसा सिस्टम जिससे पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को